हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पापा की पलटन में। तो आज बनने जा रहा है छोले, या हम कह सकते हैं चना मसाला, जो सबका बहुत ही फेवरेट है। तो ये मैंने इतना बड़ा पतीला चढ़ा दिया है और इसमें ये मैंने डाल दिया है राई तेल, क्योंकि हम सबको पता है यूपी वालों को राई तेल के सिवा कोई और तेल पसंद आता ही नहीं। तो आज हम बनाएंगे राई तेल में, जो कच्ची घानी पतंजलि का है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसको ओपन किया है, न्यू पैकेट ओपन किया है। और अब इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डाली जाएंगी। आप बने रहिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक और देखते हैं आखिरकार छोला कैसा बनता है। तो ये हो गया, इसमें पड़ गया जीरा राई। तब तक तब तक देखो आओ पास हो रहा है। उसके बाद उसके बाद ये अदरक लहसुन मिर्ची और धनिया ना का पेस्ट, और इसको डालेंगे जब तड़का हमारा एकदम हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर कांदे का प्योरी, जिसका हम लोगों ने पेस्ट बना लिया है, और इसको अब हम उसमें अब इसमें जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा टमाटर का प्योरी और ऑनियन का प्योरी, क्योंकि ये बन रहा है 25-30 लोगों के लिए। इसके लिए मैंने इतने बड़े बड़े बर्तन लिए हैं और इतने इतने लगे हैं। इसमें मैंने 1.5 किलो टमाटर, 1 किलो कांदा और 1.25 किलो मिर्ची, 150 ग्राम अदरक और 1 गुंडी धनिया, इतना सब कुछ इसके अंदर मैंने डाला है ताकि ये अच्छे से बन जाए और सबको पसंद आए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये मैंने इसके लिए लाया है गोल्डी छोले मसाले, मस्ती टर्मरिक हल्दी और अपना डी मार्ट का धनिया पाउडर। और ये मैंने छोले को उबाल कर ले लिया है पहले से ही। याद रखिए दोस्तों, जितना आप इसको चलाएंगे, जितना आप इसको चलाते रहेंगे, उतना इसका स्वाद बढ़ते रहेगा। और चलाने का एक मकसद और है कि कहीं नीचे मसाला तो नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि मसाला पकड़ लेगा तो ये जलने जैसा सीन हो जाएगा। तो अपने को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ग्रीन रेड हल्क कलर का इसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा जो आँच है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, नहीं तो पता चला जल गया तो और मेरी बहन मुझे मारने ही शुरू कर देगी। क्या किया तूने, जला दिया? सो अभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलिए जब तक थोड़ा सा देखिए, मैंने जो फ्लेम है वो धीरे में रखा है, और चलते हैं देखते हैं पूजा जहाँ हो रहा है। ये मैं चल रही हूँ, ये मेरी पलटनवा देखिए यहाँ पे सो रही है। अभी नया घर है ना, इन्होंने शिफ्टिंग नहीं लिया है अभी, तो सब कुछ ऐसे ही है। और आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे रेडी हैं। यहाँ पे बैठे हैं, ये भी बहन का ही घर है। और ये उसका दूसरा घर है, देख सकते हैं पूरा खुला ही खुला है। इधर नीचे हवा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। सो अब हम चल रहे हैं फिर से। बाबा हमारा भाजी, मेरा भाजी, मेरा भाजी सही है। चल रहा है, 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 चल रहा है। देखिए सामने में घर है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा धनिया पाउडर,
नया घर होने के चलते अभी सब पैकेट पैकेट में ही है, अभी सब इंतजाम करेगी धीरे धीरे। ये मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, ज़्यादा नहीं बाबा, नहीं तो कड़वा स्वाद आएगा। इसको भी यहाँ रख देती हूँ, पहले इसको चला लेती हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं अब मेरा जो है ये हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा गोल्डी छोले मसाला। छोले मसाला आप देख रहे हैं, आपको अगर चाहिए तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं ना इसमें पनीर का ये जो चिंक्स का आता है ना, ये पनीर मसाला डालती हूँ। इससे क्या होता है, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और थोड़ा सा हल्का सा ना अलग सा टेस्ट आता है। तो ये आपको अगर ज़रूरत हो तो आप डालिए, नहीं तो कोई नहीं। वैसे भी आपके बहुत अच्छी बनेगी, आजमाइएगा एक बार डालकर, आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें वो पनीर मसाला जो था वो डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से सब मिक्स करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम ढक्कन लगा के मसाला पकने तक का इंतजार करेंगे। ये मैंने फ्लेम को बहुत ही स्लो रखा। तो फाइनली आप देख रहे हैं मसाला पक गया है। अब इसमें पड़ेंगे हमारे छोले महाराज, ये रहा चना, काबुली चना है जो अधिकतर छोले में यूज़ किया जाता है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और भाई हम कुछ भी चीज़ अपना वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो हमने अदरक लहसुन धनिया टमाटर कांदा सबका जो था बचा हुआ लगा हुआ सब मैंने पानी में धुल के इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से चला दिया है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि, क्योंकि थोड़ा सा मसाला और चना आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाए इसके लिए। और अभी नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये, और यहाँ मैंने कुकर में चावल, फाइनली हम इसमें डालेंगे जो बहुत ज़रूरी है खाने का राजा जिसे हम कहते हैं। क्या हुआ पलटन, हमारा खाने का राजा यानी नमक, जिसके बिना पूरा व्यंजन बेस्वाद है। अब फाइनली हमने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और अब हम इसको एक बार अच्छे से चला देंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए साथ साथ में मैंने बिरयानी भी जीरा राइस टाइप बनाया है, अभी इसको मिक्स नहीं किया है, बाकी है। और ये हमने इस पे लगा दिया ढक्कन।